से बहुत ज्यादा वो इतना प्रेम करते थे, इतना हम लोग उनकी इज्जत करते थे और हम कभी भूल नहीं सकते हैं उनको। जब बिहार में हम तो जब मुख्यमंत्री बने तो वो बनाने के लिए तो थे ही, और उस दिन शपथ पहली बार हुआ तो वहां पर भी वो गए, आगे भी हर प्रकार से उनसे मिलना। इतना मिस करते हैं सर, आप बार बार कहते हैं कि उस समय की बीजेपी दूसरी थी, आज की बीजेपी अलग है, इसलिए आप एनडीए छोड़ के गए, इतना मिस करते हैं। अब वहां पर कहना ये उचित नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जहां विपक्षी एकता को लेकर चर्चाएं होने की बात है। आगामी तीसरी बैठक को लेकर बहुत सारे नेताओं से मुलाकात होनी है, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार सदैव अटल के पास, यानी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल है, वहां पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है, उनको याद किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे और उन्हें नमन करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से भी बात की है। बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर 2005 की घटना को याद किया है, जब वो मुख्यमंत्री बने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी खास वजह अटल बिहारी ही थे और शपथ समारोह में खुद अटल बिहारी पहुंचे थे, कितना मुझे प्यार करते थे, इस बात की भी चर्चा उन्होंने की है। साथ ही साथ वो इस बात को लेकर भी बोलते नजर आए कि कितना प्रेम करते थे, लेकिन मौत हो गई, किसी घटना दुर्घटना को टाला नहीं जा सकता, ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते हुए आ रहे हैं। लेकिन उनके समय में उनके साथ में किए गए कामों को याद करते हुए मुख्यमंत्री काफ़ी भावुक रूप से बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जरा सुनिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अटल सदैव अटल समाधि स्थल से जब बाहर निकलते हैं तो क्या कुछ बोल रहे हैं। आप जानते हैं जब उनका हुआ निधन तभी हम यहाँ आए और अंतिम संस्कार हुआ तो उस समय तो हम यहाँ मौजूद ही थे, तो आज यहाँ आ करके, और बीच में तो मान लीजिए कि कोरोना का दौर आ गया था, तो इसलिए आज आ करके हमको मौका मिला। उनसे बहुत ज्यादा वो इतना प्रेम करते थे, इतना हम लोग उनकी इज्जत करते थे और हम कभी भूल नहीं सकते हैं उनको हमेशा, और उन्होंने किस तरह से कितना काम मुझको दिया और किस तरह से हमने किया और किस तरह से हमको सब कुछ करते थे, प्रेम करते थे, सब कुछ करते थे, और सब दिन जब तक वो रहे। आज अब बताइए, जब बिहार में हम तो जब मुख्यमंत्री बने तो वो बनाने के लिए तो थे ही, और उस दिन शपथ पहली बार हुआ तो वहां पर भी वो गए, आगे भी हर प्रकार से उनसे मिलना, और बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई ये अलग बात है, तब भी हम लोग हमेशा ये उनका हो गया खैर बहुत बात 2018 में, तो हम लोग सब तो यहाँ आई रही, तो आज के दिन हम वही अपना नमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर। कितना मिस करते हैं सर, आप बार बार कहते हैं कि उस समय की बीजेपी दूसरी थी, आज की बीजेपी अलग है, इसलिए आप एनडीए छोड़ के गए, कितना मिस करते हैं। अब वहाँ पर कहना ये उचित नहीं है, अलग कभी बात करिएगा तब करेंगे, आज तो उनके प्रति सिर्फ हम नमन करने के लिए आए हैं। अच्छा, कुछ तो और, लेकिन और कुछ बात करना होगा तो अलग अलग आज उन्हीं के लिए जब हम आज आ ही रहे हैं, तो हम सबसे पहले आके यहाँ आकर के और तभी ना आगे कहीं जाएंगे। अब बात कल सब बताइए। तो अभी आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुना है, वो किस तरीके से अटल बिहारी से मिले, प्रेम स्वभाव को याद कर रहे हैं, किस तरीके से उनके द्वारा उनके राजनीतिक जीवन में किए गए कामों को याद करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ साफ बोल रहे हैं कि कितना प्यार करते थे, कितना मानते थे और कितना हम लोगों ने उनके साथ मिलकर काम किया है। सब बातों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गिनाया है। हालांकि पत्रकारों के सवालों पर बहुत सारी बातें वो बोलने से इनकार करते रहे और कहा कि आज वो वक्त नहीं है, आज हम श्रद्धांजलि देने आए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी की बात कीजिए, अगर दूसरी बात करनी होगी तो फिर हम लोग अलग से बात करेंगे। आप अपनी राय क्या रखते हैं, क्या सचमुच में मौजूदा जो भाजपा है वो बदल गई है, क्या अटल बिहारी और अटल बिहारी के बाद आडवाणी के समय की भाजपा अब मौजूदा भाजपा में काफ़ी अंतर हो गया है, क्या सचमुच में नीतीश कुमार जो बार बार बोलते हैं कि अटल बिहारी और लाल कृष्ण आडवाणी से जो प्रेम मिलता था वो प्रेम शायद अब नरेंद्र मोदी या कहें कि वो कल्चर भाजपा के अंदर मोदी और अमित शाह के दौर में नहीं रह गया है। आप अपनी राय हमें जरूर पहुंचाइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तब तक के लिए आपका शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।